गाइस आपको एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाले कि आपका जो एजुकेशनल चैनल है जब आप मोनेटाइज के लिए भेजते हो तो क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए और किन चीजों को आपको सुधारना चाहिए जब आप चैनल मोनेटाइज के लिए भेजते हैं। आपके 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम जब पूरा हो जाता है तो यूट्यूब कहता है कि आप अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए भेजिए रिव्यू के लिए। तो रिव्यू में किन किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, आपका एजुकेशनल चैनल और अपने चैनल को मोनेटाइज कराना है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा, तो ही आपको पता लग पाएगा, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी, फिर या एडसन में आई दिक्कत आएगी या फेल बता जाएगा और कहीं रीयूज कंटेंट दे देगा तो आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे। तो ये वीडियो पूरा देखिए और आप समझ लीजिए कि एक एजुकेशनल चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में आपको बेल आइकन दिखा उस पर प्रेस कर लें जिससे मैं कोई वीडियो आता आपके तक पहुंच सके। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आप स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो डाले, अलग अलग तरीके होते हैं कि मोनेटाइज के लिए जब आप वीडियो भेजें किस तरीके का आप वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले जब आप स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो बना रहे हैं तो आप ध्यान रखिए जब चैनल मोनेटाइज के लिए भेज रहे हैं तो उसमें थंबनेल लगाना, थंबनेल में अपनी फोटो लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होती है जब आप स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो बना रहे हैं। और जब भी आप अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए भेज रहे जो आपने कीवर्ड बहुत सारी लिख रखी है उनको आपको हटाना होगा, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी, वो कह देंगे डाटा मिस डाटा करके इस तरह का आपको आ जाएगा, पर आपको उस चीज को सुधारना होगा। सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो बना रहे हो तो आपको अपनी फोटो लगानी होगी, ठीक है, फोटो लगाने के बाद मतलब अपने थंबनेल में अपनी फोटो लगानी होगी। और ये भी ध्यान रखना होगा कि आपने जो डाटा डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा जो सर्च करते हैं वो लोग का मतलब कॉपी करके डाल रखा उसको हटाना होगा। ऐसी कोई लिंक तो नहीं दे रखी जो मोड ऐप हो जो पेड ऐप हो उसकी आपने लिंक दे रखी है, उस चीज को आपको हटाना होगा डिस्क्रिप्शन से। उसके बाद आपने कोई पीडीएफ ऐसी दे रखी है बुक जो इलीगल है, मतलब आपको रुपए खरीदना और आपने वो बुक की पीडीएफ दे रखी है तो उसकी भी आपको लिंक हटानी पड़ेगी जब आप चैनल मोनेटाइज के लिए भेज रहे। अब चैनल जब मोनेटाइज के लिए जाता है तो सबसे पहले वो ये देखता है किस वीडियो पर सबसे ज्यादा व्यू आए, तो आप देखिए व्यू आए हैं जिस वीडियो पर सबसे ज्यादा व्यू है उसका वॉच टाइम देखा जाता है। कहीं आपने एक्सटर्नल सोर्स से वॉच टाइम नहीं लिया, आपकी व्यू तो बहुत अच्छी है, वॉच टाइम अच्छा है, लेकिन आपने उस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर किया वहां से वॉच टाइम आया तो आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं करा जाएगा। तो आप ध्यान रखिए जो भी आपका अच्छा बड़ा चैनल है उसमें डिस्क्रिप्शन लगा दें, मतलब डिस्क्लेमर लगा दें कि हमने ऐसे ऐसे किया, तो थोड़ा सा परसेंटेज बच जाता है कि आपके चैनल को मोनेटाइज कर दिया जाएगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। और आपको लगता है कि इस वीडियो को हमें नहीं बनाना चाहिए तो उसमें आपको डिस्क्लेमर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अब सबसे पहले जो आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसके 5 वीडियो सबसे ऊपर देखे जाते हैं। जब आप स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो बना रहे हैं आवाज भी दे रहे हैं तो कोशिश करिएगा अपना फेस 5 वीडियो में दिखा दे, जो शुरुआत के न्यू वीडियो होंगे जब चैनल जाएगा तो शुरुआत के 5 वीडियो देखे जाते हैं, तो कोशिश करिए आप अपना चेहरा दिखा दीजिए तो आपको उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद जब आप अपने चैनल मोनेटाइज के लिए भेज रहे हो तो डिस्क्रिप्शन जो अबाउट होता है उसमें आपको अपनी लिंक, क्योंकि यूट्यूब को पता तो लगे कि आप ही हैं क्यों, और फिर आप एक स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो बना रहे हैं और नॉर्मल वीडियो बना रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम की आईडी लगानी होगी, फेसबुक की आईडी लगानी होगी, उसमें डालनी होगी, उसके बाद यूट्यूब तो लिंक हो ही जाती है, 3-4 आईडी आपको उसमें लगानी, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर और ये 3 से 4 हो जाती है आईडी, तो उसमें उसी नाम से होनी चाहिए। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, जैसे मेरे चैनल का नाम आसिफ अली टैग है तो जितनी भी मेरी आईडी है वो इसी नाम से है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा, तो ये कभी कभी गलती हो जाती है फिर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो इस पर भी आप ध्यान रखिएगा। और जब आप एडसन की वो बात अलग, जब चैनल मोनेटाइज के लिए जा रहा है इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी तो ही आपका चैनल मोनेटाइज हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं रीयूज कंटेंट कब आता है, जब आप दूसरों के वीडियो बहुत ज्यादा डाल देते हैं, अपनी वीडियो कुछ भी नहीं डाला ना उसमें आपने कुछ एक्टिविटी दिखाई है बस एडिट करके डाल दिया तो आपको रीयूज कंटेंट आ जाएगा, तो उससे क्या है कि आपको उससे बचने के लिए आप अपने ही वीडियो डालिए, दूसरों के वीडियो डालोगे तो आपको बहुत मतलब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा और आपको रीयूज कंटेंट देखने को मिल जाएगा। रीयूज कंटेंट का मतलब होता है कि वो पहले ही से अपलोड है, आपने दोबारा अपलोड कर दिया उनका वीडियो और उन्होंने आपको कॉपीराइट नहीं दिया तो हम आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपने वीडियो एक भी नहीं डाले दूसरों के वीडियो डाले हैं। तो इस रीयूज कंटेंट से बचने के लिए कि आप अपने ही वीडियो डालिए, दूसरों के बिल्कुल ना डालें, और डाले भी हैं तो आप ये सोचो डिलीट करके फिर अपने डालेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं रहता, इंप्रेशन घट जाते हैं, तो आपके सब्सक्राइबर तो मिल जाएंगे लेकिन आपको वॉच टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए, जब आप चैनल मोनेटाइज के लिए भेज रहे हो तो थंबनेल में अपनी फोटो, उसके बाद जो सबसे ज्यादा वॉच टाइम आया आपको लग रहा है डाटा मेटा थोड़ा मिस किया उसको सुधारो, उसके उसमें डिस्क्लेमर दो। उसके बाद ये होने के बाद आप और देखिए कि अबाउट में हर चीज दीजिए, शुरुआत के 5 वीडियो में अपनी लिंक मतलब अपना चेहरा दिखा दीजिए तो बस इतने ही से आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। एजुकेशनल चैनल है बस इतने ही से आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा अकाउंट लगाना होता है वो अलग मैटर है, लेकिन मोनेटाइज के लिए जब भेजते तो इतनी चीजें आपको आनी ही चाहिए और अपने चैनल पर सही करनी चाहिए।
आपने दूसरों के थंबनेल लगाए हुए हैं और उनकी फोटो लगाई है तो उनको आपको हटाना होगा, नहीं तो आपको मिस डाटा केस के अंदर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो आप ध्यान रखिए कि आपने दूसरों के बड़े बड़े जो यूट्यूबर है उनकी आपने फोटो लगा रखी है तो उनकी आपको फोटो हटाकर अपनी फोटो लगानी होगी और आपका चैनल नॉर्मली मोनेटाइज हो जाएगा। आई होप आप समझ गए हो किस तरीके से आप अपने एजुकेशन चैनल मोनेटाइज करा सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा है प्रेस कर लें जिससे मैं कोई वीडियो आता आपके तक पहुंच सके। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, कमेंट करना ना भूलिएगा, कर लिया उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।